हेलो एवरी वन तो हमारा नेक्स्ट क्यू कार्ड है डिस्क्राइब सम वन यू रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद देर आर फोर क्यूज़ फर्स्ट वन इज़ हो दिस पर्सन इज़ सेकेंड हाउ यू न्यू हिम और हर थर्ड वॉट यू यूजुअली डू टुगेदर एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन वाई यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद हिम और हर सो दल आंसर इज वेल इट इज़ अनडिनाइबल फैक्ट दैट दिस डेज़ एवरी पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू न्यूमरस थिंग्स सच एज़ एजुकेशन करियर फाइनेंस एंड अदर सच ऑब्लीगेशंस दस एवरी वन नीड सम वन टू वेंटिलेट देअर पेंटअप फीलिंग्स सो ये इंट्रोडक्शन है इसमें मैंने ये बताया कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आजकल हर पर्सन पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो स्ट्रेस में हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर जैसे कि एजुकेशन कैरियर फाइनेंस और भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उन्हें कोई ना कोई पर्सन ऐसा चाहिए जिसके साथ वो अपनी पेंटअप फीलिंग्स यानी कि अपनी दबी हुई भावनाएं है, जो हैं उन्हें शेयर कर सके उन्हें वेंटिलेट कर सके Although I have met plethora of people here, I would like to talk about one particular person who is really dear to my heart. Ergo, whenever I get leisure time, I always spend it with her. Actually, she is my aunt. Her name is Kiranjit and She is 40 years old. Second paragraph में ये बताया गया है कि चाहे मैं काफी लोगों से मिल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक मैं particular person की बात करने जा रही हूँ, जो कि मेरे दिल के काफी करीब है। और जब भी मुझे लेजर uh, टाइम मिलता है यानी कि फ्री टाइम मिलता है मैं उन्हीं के साथ स्पेंड करती हूँ एक्सपेंड यानी कि स्पेंड करना एक्चुअली दरअसल वो मेरी आंट है उनका नाम किरणजीत कौर है और वो फोर्टी ईयर्स की हैं थर्ड पैराग्राफ वी आर नॉन टू ईच अदर सन्स आई वॉज अ चाइल्ड एज आई यूज टू गो एट हर हाउस टू प्ले I would say that time was the golden period of my life, and this was due to the reason that I was carefree and had no responsibilities. Firstly, she has coral black hair and glossy skin. Moreover, I shouldn't forget to mention that she has an elegant personality which makes her really beautiful, and she always keep herself optimistic as well as in high spirits. So this third paragraph my bata. दोनों एक दूसरे को जानते हैं जब मैं छोटी थी तब से जानते हैं और मैं उनके घर जाया करती थी खेलने और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वो टाइम पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का सुनहरा टाइम था काफ़ी वो इस रीज़न की वजह से क्योंकि मैं काफ़ी केयर फ्री थी मेरे मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी कोई स्ट्रेस नहीं था किसी चीज़ को लेके और इसके आगे वाली लाइन में मैंने उनकी जो उनके जो फीचर्स हैं मैंने वो मेंशन किए हैं कि उनके कॉरल ब्लैक हेयर है उनकी ग्लोसी स्किन है और मुझे ये भी बताना चाहिए कि उनकी पर्सनालिटी एलिगेंट है यानी कि काफ़ी स्टाइलिश है जो कि उनकी बहुत ब्यूटीफुल बनाती है और वो हमेशा खुद को ऑप्टिमिस्टिक रखती हैं यानी कि पॉजिटिव रखती हैं और इन हाई स्पिरिट्स हाई स्पिरिट्स यानी कि खुद को काफ़ी हैप्पी रखती हैं एक्सट्रीमली हैप्पी fourth paragraph talking about her qualities and the causation why i prefer to spend my valuable time with her is that she sees the world with different perspective and is not having an orthodox thinking apart from this she is down to earth and philanthropist as she donates handsome amount of money to the underprivileged people last but not least she has attribute to always put others first which i think is quite rare to find in this contemporary epoch सो फोर्थ पैराग्राफ़ में ये लिखा है कि अगर मैं उनकी क्वालिटीज़ की बात करूं और मैं रीज़न बताऊं कि क्यों मैं अपना जो कीमती समय उनके साथ मैं स्पेंड करती हूँ तो वो रीज़न ये है कि वो वर्ल्ड को एक अलग ही नज़रिए से देखती हैं उनकी ट्रेडिशनल एंड ओल्ड थिंकिंग नहीं है ऑर्थोडॉक्स का मतलब है ओल्ड एंड ट्रेडिशनल थिंकिंग इसके अलावा वो काफ़ी डाउन टू अर्थ भी हैं ये एक एडजेक्टिव है इसका मतलब है फ्रेंडली और वो फिलेंथ्रापिस्ट हैं फिलेंथ्रापिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो uh, अमाउंट जो है वो डोनेट करता है टू द पुअर पीपल टू हेल्प दम ओके सो वो फ़िल्म थ्रापिस्ट भी हैं क्योंकि वो एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट यानी कि अच्छी खासी अमाउंट जो है वो डोनेट करती हैं अंडर प्रिवलेज पीपल को इसकी जगह पुअर पीपल भी बोल सकते हो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये फ्रेज़ है लास्ट बट नॉट लीस्ट मतलब कि ये लास्ट पॉइंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितने बाकी हैं उनके अंदर एक क्वालिटी है बाकी लोगों को पहले रखने की और ख़ुद को वो बाद में रखती हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी रेयर क्वालिटी है आजकल ये काफ़ी कम देखने को मिलती है इन दिस कंटेम्प्रेरी इपॉक यानी कि इन दिस मॉडर्न टाइम Last paragraph. When it comes to how we spend our spare time with each other, there are multifarious activities such as playing badminton, cooking, watching movies and cinemas, and so on. Besides these, sometimes we go to the park which is stone's throw away from her house. She always motivates me to walk for at least three kilometers each day to keep me hale and hearty. All in all, this was all about the individual with whom I always remain keen to spend some quality time. तो लास्ट पैराग्राफ में बताया कि अगर बात आती है कि हम लोग कैसे मैं अपना कैसे स्पेयर टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हम लोग बैडमिंटन प्ले करते हैं कुकिंग करते हैं मूवीज़ देखते हैं सिनेमाज़ में और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं इसके अलावा कई बार हम लोग पार्क में भी जाते हैं जो उनके घर के पास ही है स्टोन्स थ्रो अवे एक ईडियम है यहाँ पे मैंने ईडियम यूज़ किया है इसका मतलब है नियर जो चीज़ नियर हो तो जो पार्क उनके घर के पास है हम लोग वहाँ पर वॉक करने के लिए जाते हैं वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं एक दिन में कम से कम थ्री किलोमीटर्स चलूँ क्योंकि वो मुझे हेल एंड हार्टी रखना चाहती हैं यानी कि हेल्दी रखना चाहती हैं हेल एंड हार्टी इज़ ऑल्सो एन ईडियम सो ऑल इन ऑल ये था उस इंडिविजुअल के बारे में क्यू कार्ड जिन uh, जिनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं हमेशा कीन रहती हूँ यानी कि एक्साइटेड रहती हूँ सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेज यू कैन व्हाट्सएप दिस गिवन नंबर